अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो देखिए, घर का काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। हम दोनों ने मिलके सोफ़ा वगैरह साफ़ कर लिया है अभी, क्योंकि इसको अब वैसे भी वॉश कराना है। तो टेम्परेरी हम लोग ने इसके जो ढाक के रखे थे कवर, वो हटाए हैं और इसको अच्छे से साफ़ किए हैं। बाकी ये वॉशेबल है, हम लोग हमेशा वॉश करवाते हैं। और वॉशिंग मशीन में उधर कपड़े की धुलाई वगैरह चल रही है। और ये देखिए, ये मैंने खिड़की में लगाई थी, बहुत प्यारा लगता है ये झूमर, जैसे मैं दिल्ली से लेके आई हुई थी। और ये देख रहा है पूरा रूम, ये टीवी को अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और मतलब एसी को भी, और ये झूमर वगैरह अच्छे से इन्होंने पोंछ दिए हैं, सभी चीज़ें, फ़ैन वगैरह पोंछ दिए थे। तो ऐसा हो रहा है कि कुछ काम मैं कर रही हूँ, कुछ नज्जू कर रहा है, तो दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो काफ़ी जल्दी हो जा रहा है। आप सोच रहे होंगे इतने जल्दी हो जा रहा है इनका, तो दोनों मिलके और बिल्कुल फास्ट कंटिन्यू करे जा रहे हैं हम लोग। देखिए फ़र्श कितना सुंदर साफ़ सुथरा लग रहा है, सभी चीज़ें। और देखिए, ये मैं बालकनी दिखाती हूँ, ये कुछ कुछ चीज़ें मैंने पेड़ वगैरह कुछ कुछ रख दी हूँ, और के नीचे खाली की हूँ अभी, इनको वैसे ही रख दी हूँ। फिर धीरे धीरे हर दिन कुछ नया इम्प्रूवमेंट करते जाऊँगी। इस तरीके से यहाँ रख दी हूँ, अभी भी काफ़ी कुछ गंदा ही है। और ये देखिए, ये हम लोग गए हैं कैंटीन, गए हुए थे नज्जू और मैं, क्योंकि काफ़ी सारा हम लोग को किराना वगैरह लेना था। वहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ ली नहीं, तो मैंने कैंटीन से हमने सामान लाए, सो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देख रहे हैं बालकनी, जो कि नज्जू ने खुद से पूरी सफाई की, यहाँ मैंने कुछ नहीं की हूँ। और ये देखिए, हम लोग का कपड़े डालने का इतना प्यारा हैंगर है कि डालो और ऊपर कर दो तो बिल्कुल टेंशन नहीं रहती, नीचे रहता है। ये मैंने अभी डाली हूँ, तो ये नीचे दिखा रहा है, फिर मैं यहाँ से ऊपर करूँगी तो ऊपर चला जाएगा। और इतने अच्छे से पूरी बालकनी साफ किए हैं, इतना मतलब हेल्प किए कि अब मैं उनकी क्या तारीफ करूँ। इतने अच्छे से पूरा बराबरी से कौन करता है यार? हम किसी को लगता है घर के काम तो जेंट्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं करना पसंद करते, तो नज्जू ने तो बहुत मेरी हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, हम लोग ने दोनों गए थे कैंटीन से सामान वगैरह लेके आए हैं, जो जो था जरूरत थी तो हमने लेके आ गए हैं। मैं सो आपको दिखाती हूँ हर चीज़ें हमने क्या क्या लेके आए हैं। ये काली मिर्च है चकदे की, काफ़ी अच्छी होती है और ये कैंटीन में मिलती है, तो कैंटीन में सामान तो थोड़े से हम लोग क्या है कि जैसे अभी इतने दिन से गोंदिया में थे तो हम लोग नहीं ले पाए, तो यहाँ पर हम लोग सोचे कि जो जो सामान मिल जाए कैंटीन से, फिर जब बचेगा हम लोग बाहर से ले लेंगे। तो ये देखिए, साबुन वगैरह ले आए थे, तो ये इतने सेट ले आए हैं, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है तो बार बार जाना हम लोग का होता नहीं है वहाँ पर, तो हम लोग सब क्या करते हैं कि इकट्ठा ले आती हूँ मैं ज़्यादा। और देखिए, ये मैं लिरिल लाई हूँ न्यू वाली, इसका एकदम इतनी प्यारा फ्रिक्वेंस है, खुशबू इतनी प्यारी है। और ये किसान का टोमेटो ले आई थी मैंने, और ये ले आई थी इन लोग की नूडल्स, बहुत मतलब इन लोग को पसंद रहती है। और चॉकलेट वगैरह ये सब कैंटीन में ही मिल रही थी, बिस्किट चॉकलेट जो लगेंगी, तो मैं तो क्या छोटे साइज़ की लेती हूँ कि यूज़ करो और तुरंत मतलब छोटा बच्चे थोड़ा खाएँ, बट ये बड़ी मिल रही थी। बेसन फॉर्चून का ले आई थी, ये मैंने पास्ता लेके आ गई थी। और इस तरीके से ये ले आई हूँ क्लोज़अप इतने सारे, क्योंकि लगते रहते हैं। और ये मैंने 50-50 नमकीन गुड्डे ले आई थी इस तरीके से। ये देखिए, काफ़ी सारी बिस्किट ले आई हूँ बच्चों के लिए, से बच्चे खाते वगैरह हैं तो। और ये पियर साबुन है, जो कि हम लोग यानी पियर से यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और ये डोंडा इलायची ले आए थे, और ये इनका है पार्क एवेन्यू का, और ये सेविंग क्रीम है, और एक शायद जेल वगैरह है। और ये क्या ये लाए हैं, धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर वगैरह ले आए थे। और ये जैसे चना दाल ले आए थे, ऐसे नमकीन वगैरह मैदा वगैरह ले आए थे। और ये मैंने कपड़े धोने के लिए रिन ले आई थी वॉशिंग मशीन में। और ये देखिए, मैंने काजल लेके आई हूँ, काफ़ी अच्छा मिल रहा था, तो एक मतलब ये अभी मैं एक लेके आई हूँ, और काफ़ी सारे आए हैं, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोची अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगी तो फिर से मैं एक दो और ले लूँगी। और मैंने देखिए लैक्मे का फेस वॉश ले आई, मैं बोलूँगी लैक्मे फेस वॉश डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। और ये नीम का लेके आ गई थी मैं अभी, मुझे लगा थोड़ा चेंज करना चाहिए तो नीम का भी लेके आ गई थी। और ये कम्फर्ट है, जो कि कपड़ों में डालने से खुशबू आती है। और बच्चों को तो अभी मैंने सब बंद की बोनविटा वगैरह देना, बट
ये बूट ले आई थी मैंने, बूस्ट ले आई थी मैंने कि कभी लगे, और ये मैंने नायमा सीरिन के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए से लेके आ गई थी, और ट्रेस में लॉन्ग हेयर के लिए से क्लिनिक प्लस लेके आ गई थी, और ये ट्रेस में लेके आ गई थी। मुझे बहुत पसंद आता है, और नज्जू को भी तो ये ट्रेस में था, तो हम लोग ये इसी तरीके से बड़े पाउच ले आते हैं। और ये आला है, रिन आला, जो कि वाइट कपड़ों को और वाइट बनाता है, उसमें कोई दाग लगे हैं वो हटाता। और ये रेड लेबल चाय पत्ती लेके आ गए थे, ये देखिए काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती है, मुझे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पसंद रहती है इसलिए। और ये सब ये देखिए इंदुलेखा का, ये क्या है, हेयर मसाजर, मतलब शैम्पू जैसे है, अगर आप ऑयल लगा रहे हैं तो इसका शैम्पू भी यूज़ करिए। टोस्ट वगैरह, छोटी बिस्किट और ले आए थे, तो ये वाला जो कुछ सामान है हम लोग और अदर छोटी छोटी बिस्किट दूसरे इस शॉप से लेके आ गए थे। ये ऑयल हम लोग फॉर्चून का राइस ब्रैन ऑयल ही खाते हैं, तो ये कैंटीन से ही लेके आ गए थे। और ये सॉल्ट और ये नमकीन और टैबलेट्स वगैरह, ये तो हम नॉर्मल मार्केट से लेके आ गए थे, कैंटीन में हमको नहीं मिला था। ये नमकीन देख रहे हैं, और ये हजमोला और जेलोसिल, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए लैक्मे का फेस क्रीम है डे का, इतना अच्छा है ये, और ऑफर में मिल रहा था कैंटीन में, तो मैंने लेके आ गई हूँ। सो मैं डे में अब यही क्रीम लगाऊंगी, जैसे आप नहाए हैं या फिर वैसे भी माउथ अच्छे से वॉश किए हैं तो आप ये क्रीम डेली यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। लोग बोलते हैं कि क्रीम वगैरह क्या लगाना, बट जब एज होती है ना तो यही क्रीम अपनी स्किन को बचाते हैं, सेव और प्रोटेक्ट। जिस तरीके से अपन लोग अपने आप को साफ रखते हैं कि ख़राब दिख रहा है, मैले होगा, गंदे, वैसी हमारी स्किन हो जाती है, तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। मैं किसी दिन और वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में, लोशन क्रीम क्या होते हैं और कैसे लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं लगाते, पता नहीं रहता, तो इसके बारे में मैं उनको नॉलेज ज़रूर दूंगी कि प्लीज़ ज़रूर लगाएं, अपनी स्किन को अच्छी बनाएं, और उनको सांस लेने के हिसाब से, क्योंकि डस्ट से वो पैक हो जाती हैं। तो ये रहा लैक्मे का क्रीम, जो मुझे बहुत पसंद आया है और ऑफ़र में चल रहा था तो मैंने लेके आ गई थी। और बाकी लैक्मे के बहुत रेंज रहती है क्रीम वगैरह में, तो ऑफ़र में था तो मैंने ले आई, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा हैवी रेंज वाली चीज़ें भी नहीं खरीदती, खरीदती हूँ ब्रांडेड ही रहती है, अच्छी ही लेना पसंद करती हूँ, बट इतना भी नहीं लेती कि बहुत ज़्यादा हो। तो मेरे पास तो आपको इतने सारे क्रीम वगैरह दिखेंगे, लोशन, डियो की, दोनों को शौक है, दोनों अपनी चॉइस से लाते रहते हैं, तो बहुत सारे हो गए। इस तरीके से मैंने कैंटीन से इतना सारा सामान लाई, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट, साथ चाहिए मुझे, प्लीज़ मेरे वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए प्लीज़ आप लोग। और इसी तरीके से मैं अमेजिंग और चटपटे वीडियो लाती रहूँगी, आप लोग का मनोरंजन करती रहूँगी। और ये देखिए, ये है सेविंग जेल आई थिंक स्प्रे, तो ये भी था, तो इनको बहुत पसंद आया तो ये लेके आ गए थे, काफ़ी अच्छा है, कूल ब्लू का है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, और ये सेविंग क्रीम है, और हम लोग का फाइनली घर भी सेट हो चुका है काफ़ी, और ये देखिए कितना सारा किराना भी लेके आ गए, और हम लोग इसी तरीके से काफ़ी कुछ ले आते हैं। और ये जो दिख रहा है इस तरीके जमा, ये क्या है, मिलाते हैं प्राइस वगैरह, बहुत ज़रूरी होता है देखना कि कितने में क्या है चीज़ें, लोग ला के और यूज़ करने लगते हैं डायरेक्ट, नहीं, आपको देखना चाहिए कितनी की चीज़ें क्या मिली या किसका क्या है, उससे नॉलेज रहता है। मैंने भी इन्हीं से सीखी और मैं भी यही काम करती हूँ। तो ये देखिए जमा, इसलिए कि सबके प्राइस मिला के अच्छे से रख दिए हैं, अब मैं इनको अपनी अपनी जगह में सेट करूंगी। और जो मैं ये सब दिखा रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट हो गया, और नीम का इस बार लेके आई हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।